संचार माध्यम का बहुत ही महत्व है। लोग हर जगह पर हर तरह से संचार माध्यम का उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जीवन शायद संचार माध्यम के बिना बिल्कुल निरर्थक बन जाता है। तो इसका उपयोग सदुपयोग करेंगे तो जरूर प्रगति होगी, अच्छा होगा। आजकल इन संचार माध्यम में से दो इफेक्ट हो जाते हैं, एक तो अच्छे कार्यों के लिए सकारात्मक रीति से इसका उपयोग हो जिससे कि प्रगति हो और एक अच्छा क्या अच्छा माहौल फैले, पॉजिटिव एटमोस्फियर ही कैन बी मेंटेन्ड। लेकिन ये नकारात्मक रीति से संचार माध्यम को देखा जाए तो लोग में बहुत सी बुराइयां आ सकती हैं, इंडिविजुअल्स केवल एक एक व्यक्ति में और पूरे समाज में। इसलिए कहा गया है कि हमको संचार माध्यम का बहुत ही जिम्मेदारी रीति से जिम्मेदारी से उपयोग करना आवश्यक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ हमें हमेशा सक्रिय सतर्क रहना है कि संचार माध्यम का सदुपयोग हो और उसका अच्छा इस्तेमाल हो। इसी उद्देश्य से आज आर्चडायोसिस ऑफ भोपाल भी अभी यूट्यूब में प्रवेश करने जा रहा है, क्योंकि यह भी आज के माहौल में आवश्यक बात है। क्योंकि चर्च सारी दुनिया में संचार माध्यम में हमेशा अग्रणी स्थान पर रहा है। आजकल जरूर अनेक एजेंसीज आगे आए हैं और बहुत ही प्रगति हुई है, लेकिन पहले चर्च काफी सक्रिय था और अभी भी वह सक्रिय है, जैसे प्रेस प्रिंट मीडिया और टेलीविजन रेडियो इन सब माध्यमों में काफी चर्च भी काफी अग्रणी स्थान लेते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। शायद इतना कॉम्पिटिटिव रीति से नहीं, फिर भी जहां तक हो सके हम अपने मुद्दे अपनी सच्चाइयां और हमारी जो वैल्यूज हैं उनको हम दूसरों को देने के लिए दूसरों के साथ बांटने के लिए हमेशा तैयार हैं। और इस कारण से यह यूट्यूब का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा पीआर ऑफिस जो काफी लोग इसमें काम कर रहे हैं वे इसमें सक्रिय रीति से कार्य करते हुए इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो मैं फादर मरिया स्टीफन हमारे जो पीआर ऑफिशियल वैसे श्री शर्मा जी और उनके साथी और जो भी इस कार्य में हमें सहयोग दे रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि वे सक्रिय रूप से काम करते हुए इस यूट्यूब का सही उपयोग करते हुए आजकल लोग मीडिया का बहुत ही गलत उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि लोगों में मॉरल डिग्रेडेशन हो रहा है, आध्यात्मिक और नैतिक रीति से गिरावट आ रही है। इसकी हिफाजत करना बहुत ही आवश्यक है। लोगों में अच्छे गुणों का वैल्यूज को फैलाएं और इस प्रकार हमारे विशेषकर हमारे बच्चों में और युवाओं में इसका सदुपयोग होते हुए अच्छा उनको बर्ताव करने के लिए उनको मदद करें, यह आवश्यक है। इसलिए हमारा यह उद्देश्य ही है कि इस यूट्यूब से लोगों की भलाई हो जाए, लोगों के विकास के लिए हम कोशिश करें और इसी प्रकार सक्रियता और सतर्कता फैलाएं। इसी की कॉन्शियसनेस बोलते हैं हम लोग, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट ऑल देट इज नॉट गुड, अबाउट ऑल देट इज हार्मफुल, अबाउट ऑल देट इज डिस्ट्रक्टिव, सो दैट वी कैन रियली हेल्प द सोसाइटी टू ग्रो इन ए पॉजिटिव एंड क्रिएटिव वे। तो इसलिए मैं आप सबको जो भी इसमें कार्यरत हैं, जो भी इसमें सहयोग देते हैं, जैसे मैंने पहले कहा हमारे पीआर ऑफिस और पीआर ऑफिस में जो भी कार्यरत हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और यही काम मैं करता हूँ कि ईश्वर इस हमारे प्रोजेक्ट पर अपनी तरह से आशीर्वाद करता है जिससे कि हम सक्सेसफुली बहुत ही सक्रिय रीति से आगे बढ़ते जाएं। भोपाल आर्चडायोसिस की शुरुआत विकास और फलने फूलने का इतिहास आज जैसा है। वह समर्पित मानव प्रतिक्रिया द्वारा पूर्णता में अभिव्यक्ति खोजने वाली ईश्वर की असीम करुणा से भरा हुआ है। 13 सितंबर 1963 को भोपाल आर्चडायोसिस के लिए सुनहरा दिन था, क्योंकि इस दिन भोपाल आर्चडायोसिस अस्तित्व में आया और श्रद्धेय डॉक्टर यूजिन डिसूजा को इसका पहला आर्च बिशप नियुक्त किया गया। श्रद्धे पाशकल टोपनो
1994 में श्रद्धेय डॉक्टर यूजिन डिसूजा के रिटायर होने के बाद भोपाल आर्च डायसिस के नए आर्च बिशप बने और जुलाई 2007 में श्रद्धेय लियो कॉर्नेलियो भोपाल आर्च डायसिस के नए आर्च बिशप बनाए गए। श्रद्धेय लियो कॉर्नेलियो वर्तमान में भोपाल के आर्च बिशप के रूप में अपनी सेवाएं और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। भोपाल आर्च डायसिस के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 4 जिले आते हैं, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद और सीहोर। वर्तमान में भोपाल आर्च डायसिस में लगभग 74 धर्मपांती पुरोहित, 75 धार्मिक पुरोहित, 29 धार्मिक भाई, 545 धार्मिक बहनें, 26 पैरिशों और 20 से अधिक मिशन स्टेशनों में कार्यरत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आर्च डायसिस ऑफ भोपाल अपने स्थापना के दिन से निरंतर प्रगति के सोपान पर आगे बढ़ रहा है, अपनी सेवा क्षेत्रों का निरंतर विस्तार कर रहा है। हमारे वर्तमान आर्च बिशप लियो कॉर्नेलियो के नेतृत्व में भोपाल आर्च डायसिस की विकास यात्रा में नित्य नए आयाम जुड़ रहे हैं।